नमस्कार, मैं आचार्य मोहिनी आज आपके सामने नए साल का राशिफल लेकर आई हूँ। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा यही जानने को उत्सुक रहता है कि आने वाला समय उसके कार्य, उसके व्यवसाय, उसके धन, उसके स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा या वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। आने वाले 2021 में सकारात्मक भविष्य की उम्मीद अब सब रखते हैं कि आगे आने वाला रास्ता क्या उसके देखे हुए सपनों को पूरा करेगा। सभी के मन में उथल पुथल मची हुई है कि जो 2020 गया है, अब आने वाला 2021 उसके अनुरूप हमारे सबके लिए क्या परिणाम लेकर आ रहा है। हम आप लेके सभी जीवन के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राशि के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सावधानी रखनी है या क्या नया काम करने से पहले सलाह लेनी है। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शुरुआत का समय संघर्ष भरा रहेगा, लेकिन आपको लगेगा कि हमारे जो सपने पिछले साल अधूरे रह गए थे वह इस वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। साल की शुरुआत में आप ही की राशि का स्वामी आपकी ही राशि में गोचर करने जा रहा है, जिससे कि यह साल उमंगों और कुछ नया करने की प्रेरणा देने के लिए आ रहा है। इस साल आपके अंदर कुछ ऐसे सपने हैं जो आप उसे पूरा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी उम्मीद है कि वह पूरा भी हो जाए, क्योंकि बीता हुआ साल बहुत अधूरे सवालों के साथ ख़त्म हुआ है और अब ये साल आने वाला इन्हीं सवालों के जवाब के साथ शुरू होने जा रहा है। आपको इस साल आलस और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा। किसी से धन लिया हुआ था तो धन उतारने में कठिनाई आ रही थी, तो इस वर्ष आपके कम होने से आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपने कहीं से धन लिया है तो अभी इस वर्ष आप उस धन को उतारने के लिए तैयार रहें, लेकिन इस वक्त में साल के मध्य में कोई भी नया काम करने या बदलाव करने में या निवेश करने से बचें। इस समय में वक्री ग्रह का प्रभाव भी बना रहेगा, जिसमें कार्य क्षेत्र में किसी कारण से मानसिक तनाव भी बनेगा और आपका पूरा ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। राहु का वृषभ राशि में गोचर करने से कठिनाइयों को पार करने में आपको साहस और हिम्मत भी मिलेगी, लेकिन खर्चा अधिक बढ़ सकता है। अपनी वाणी का इस बार बहुत ध्यान रखना है आपने। किसी से बोलने से पहले कुछ समय के लिए सोच लेना है, क्योंकि आपकी ही जबान आपके रिश्तों की शत्रु बनेगी। अक्टूबर के बाद ही नया काम शुरू होगा या किसी ज़मीन के काम में अगर निवेश करना है तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। इस यह वर्ष किसी निवेश के लिए या कार्य के लिए या कर्ज लेने की सोच रहे हैं तो वह आपको समय से पहले किसी से सलाह लेनी है, फिर लेना है। अब हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की। मेष राशि के इस साल की शुरुआत में कार्य के क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहेगी और किसी नए कार्य को लेकर उत्साहित भी रहेंगे। इस वर्ष गुरु और शनि दोनों जब साल के मध्य में वक्री हो जाएगा तो इस समय में आपको बहुत ही सावधानी रखनी है और किसी से उलझना भी नहीं है। इस समय में कार्य को लेकर यात्राएं भी बनी रहेगी, लेकिन वो यात्राएं आपकी व्यर्थ जाएंगी। आप अपनी मर्जी से इस वक्त में नौकरी ना बदलें, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसा माहौल बन जाएगा कि आपको खुद ही नौकरी से शायद निकाल दिया जाए। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में निवेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, और पार्टनरशिप में कोई आपका काम है तो बहुत ही सोच समझ कर चलें। इस वर्ष जून के बाद आपके कर्मचारियों की वजह से तनाव भी बनेगा, बहुत ही धैर्य से स्थिति को संभालना है अगर कोई स्थिति खराब होती है तो। अक्टूबर के बाद से ही समय आपके अनुरूप रहेगा और इस समय में आप नौकरी बदलना चाहते हैं या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपका ये समय आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। यह वर्ष वेतन और पद की बढ़ोतरी के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके रिश्ते की। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो साल की शुरुआत में आपकी गलत बोली से कुछ आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमी होगी, जो कि आप दोनों के बीच में तनाव का कारण बनेगी। आपस में बैठकर प्यार से अगर आप सुलझा लेते हैं तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा। इस साल कार्यस्थल में आपको कोई पसंद आ सकता है, पर मार्च से जून के मध्य में आप उससे अपने मन की बात कर दें, तभी आपको सकारात्मक जवाब की उम्मीद भी मिलेगी। अगस्त या सितंबर के मध्य में आपको आपसी विवाद भी हो सकता है, जिसका कारण आपका अहम होगा। वैवाहिक लोगों के लिए समय मिला जुला रहेगा और इस समय में साल के मध्य में किसी तीसरे के आने से जीवन साथी से आपका मतभेद भी हो जाएगा। जुलाई के बाद से जीवन साथी के कार्य में कुछ बदलाव आएगा और हो सकता है कि वो आपको समय कम दे, लेकिन आर्थिक बदलाव आने से घर में कुछ नई चीज़ का आगमन भी हो सकता है।
आपकी आर्थिक की स्थिति को लेकर बात करें तो इस वर्ष आपकी स्थिति पहले से बेहतर नज़र आ रही है और आप शुरुआत में खर्चों से बचें तभी बेहतर रहेगा। अगर आप किसी कारण से धन आने में देरी हो रही है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन से जुड़े आपकी सभी कार्य बनेंगे और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। आप अगर कर्ज लेना चाहते हैं या कोई पुराना कर्ज उतारना चाहते हैं तो अड़चन इस साल नहीं आएगी। जून से अक्टूबर के मध्य में ज़मीन से निवेश करने में बचें और नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। शेयर मार्केट में इस समय भी निवेश करने के लिए किसी से सलाह अवश्य ले लें। इस वर्ष पिता से मिलने वाली संपत्ति से आपको लाभ भी ज़रूर मिलेगा। स्वास्थ्य की अगर आपकी बात करते हैं तो आपके अधिक बाहर के खान पान की वजह से आपको पेट में या गले में कोई ना कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जिससे कि आपको आने वाले समय में भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपकी त्वचा में अगर कोई पहले से ही परेशानी चल रही है तो इस वक्त आप लापरवाही ना करें। तो हमारा ये मेष राशि का राशिफल 2021 का यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपका नया साल, आने वाला समय आपकी सभी सपने और सभी उम्मीदों पर खरा उतरे। हमने आज बात की थी आपके राशिफल के बारे में। आशा करते हैं कि आपका ये नव वर्ष आपके सपनों के साथ शुरू हो और आपके सभी सपनों को पूरा करके ही यह वर्ष जाए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमसे कुछ और भी कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य देते हैं ताकि आप हमारे अगले नए विषय के साथ हमसे जुड़े रहें। हम अपने नए विषय के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।